गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि हम ड्यूरिंग वर्कआउट जब हमें एनर्जी लो होती है या चक्कर आते हैं उस टाइम क्या लें, बिग मसल का बीसी डबल ले लें या इलेक्ट्रॉल लें। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करके बताऊँ आपको क्या लेना चाहिए, इसकी बात आती है रोकड़े की। रोकड़ा यानी कि पैसा, जेब में कितना पैसा है। जिनका अच्छा खासा बजट है वो तो ये ले लो भाई, 1300 रुपये का आएगा, 90 सैलून चलेंगी। जिनका भाई लो बजट है, मतलब डाइट भी लेनी सब चीज़ लेनी है 1000 रुपये के अंदर अंदर, ठीक है, प्रोटीन भी आना चाहिए सब चीज़ आना चाहिए, तो वो ले भाई इलेक्ट्रोल, या आता 20 रुपये का पैकेट, ठीक है। इसको आपने कैसे लेना है, 4-4 ग्राम 5 दिन लेना है, ये 5 दिन चलेगा पैकेट एक 20 रुपये का। और जिनका भाई बजट अच्छा है वो तो ये ले लो, 5 ग्राम का स्कूप होता है और आपको अच्छी एनर्जी देगा और ये भी एनर्जी देगा, दोनों के सेम है। बस अंतर क्या है, इसमें एमिनो है जो मसल हमें हमारी मसल बनाने में हेल्प करता है, आइसोलूसिन लूसिन वैलिन, ये 3 अमीनो है, उसके साथ गिरे हुए इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, एनर्जी का काम करते हैं। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट है, अमीनो नहीं मिलेंगे, इसलिए सस्ता है। अगर आप सिर्फ एनर्जी बेस के लिए ले रहे हो तो इलेक्ट्रोल ले लो ड्यूरिंग वर्कआउट, ठीक है। आपको मसल बिल्डिंग में भी अमीनो चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए तो बिग मसल ले लें। बाकी अगर प्रोटीन डाइट अच्छी हो, ठीक है, मतलब जितना वेट आपका है अगर उतना ओवरऑल आप वे प्रोटीन या अदर सोर्स से प्रोटीन पूरा कर रहे हो पूरे दिन का, तब आपको बीस डॉलर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एनर्जी के लिए इलेक्ट्रोल लो, ठीक है। और आपका प्रोटीन इंटेक कम है तब आपको अमीनो की ज़रूरत पड़ती है, तब वो आपकी हेल्प करेंगे। पर हम इस पर डिपेंड हो जाएं डाइट भी ना लें तो ये बेकार है भाई, इसको फेंको कूड़े में, इसको चलाओ बस। अब मेरा क्या है, अब जब मेरे पास पैसे वैसे होते बजट होता है तो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब मान लो किसी दिन अगले महीने कोई और नया खर्चा आ गया, प्रोटीन लेना पड़ गया, इसका बजट नहीं बना, तो मैं ये चला लेता हूँ भाई। 4 से 5 दिन आराम चलता है एक पैकेट, और केमिस्ट पर मिल जाता है बढ़िया, और एनर्जी तो ऐसे ही देगा बढ़िया, कहीं से कोई चक्कर नहीं आएंगे। वर्कआउट भी ज़्यादा करोगे, रैप भी ज़्यादा मारोगे और मसल में भी एनर्जी रहेगी, ऐसा नहीं रहेगा कि डाउन हो रहा है कि वर्कआउट ही नहीं हो रहा। वर्कआउट पूरा करोगे 1.5 से 2 घंटे, ये पूरी हेल्प करेगा आपकी वर्कआउट करने में, और इसकी बात अलग है बस। अब अलग अलग कंपनियों के बीसी डबल आते हैं, कोई कहेगा भाई बिग मसल बेकार है, लेकिन प्रोटीन तो छोड़ो, प्रोटीन तो उनका कुछ खास नहीं है, लेकिन बीसी डबल है और ई डबल है, ये दोनों अच्छे हैं इनके, इसलिए मैं बिग मसल का ट्राई करता हूँ, बजट फ्रेंडली भी है। क्योंकि अगर मसल ग्लेस के बीसी डबल पे जाऊँगा वो आएगा 2.5 से 3 हज़ार का, उसमें सर्विंग भी कम मिलती है, 30 मिलेंगी, और इसमें 90 मिलती हैं, 1300 रुपये का है, तो इसलिए मैं इसमें जा रहा हूँ। उसमें वैसे थोड़ा फ्लेवर का भी ऊपर नीचे प्राइस होते रहते हैं, जैसे ब्लूबेरी लोगे तो और महंगा होगा, पिंक गुआवा लोगे तो और कम रेट में मिल जाएगा, तो प्राइस वेरी करते रहते हैं फ्लेवर के अकॉर्डिंग। इसका सिंपल है, इसमें भी थोड़ी सी मिठास होती है, ऐसी याद नहीं है इलेक्ट्रोल में कि आपको बिल्कुल ही मिठास नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। एनर्जी का काम ये भी करेगा, एनर्जी का काम ये भी करेगा, तो इसमें कंफ्यूज ना हो, अपने हिसाब से ले लें, अपने बजट के हिसाब से ले लें भाई। शरीर है कुछ भी डालो, ये होना चाहिए बस, जो जितना शरीर में डालोगे उतना काम है बॉडी बिल्डिंग में, तो कोई लिमिट नहीं है कहीं से भी, कुआ है, ठीक है, जितना डालोगे उस हिसाब से मसल बनती रहेगी आपकी। जितना प्रोटीन इंटेक अच्छा रखोगे, जितना स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी, उस हिसाब से आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, उस हिसाब से आपकी बॉडी बनेगी, तो कंफ्यूज ना हो, दोनों सेम है। थैंक यू।